हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास मल्टीपल अमेजोन अकाउंट है और उनमें मल्टीपल अकाउंट में आपके पास अमेजोन पे बैलेंस है, तो उन सभी पे बैलेंस को आप कैसे एक ही अमेजोन अकाउंट में कर सकते हैं। मतलब आपके पास तीन चार अकाउंट में 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे करके है, तो उन सभी जो अमाउंट है उसको आप एक ही अमेजोन पे बैलेंस मतलब एक ही आईडी पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि ये कैसे कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे, और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा तो उस पर भी क्लिक कर दे। तो फ्रेंड्स, बिना आपका समय गवाए चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है Comprify। तो आप प्ले स्टोर पे जाए, वहां पे आप सर्च कर ले Comprify, आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन दिखेगा। तो आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर ले अपने मोबाइल में, और उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर ले। आपको उसमें मोबाइल नंबर और सिम कार्ड वगैरह कुछ पूछा जाएगा डिटेल, तो आप उसको फिल कर ले। तो फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिचार्ज का, तो आप यहाँ पे एक रिचार्ज इनिशिएट करें। तो फ्रेंड्स, आप जो भी रिचार्ज इनिशिएट कर रहे हैं आप उसमें मतलब सारे गलत डिटेल्स डाल दें। मान लो आप अपना नंबर तो सही डालें, उसका जो ऑपरेटर होगा वो मान लो आपका जियो का है तो आप एयरटेल सेलेक्ट कर लो, और वहाँ पे जो अमाउंट डालोगे तो वो ऐसा अमाउंट डालना जो कि रिचार्ज में ना हो, जैसे 52 रुपए 53 रुपए इस तरीके का अगर आप अमाउंट डालोगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पेमेंट पेज पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अमेजोन पे बैलेंस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस को आप सेलेक्ट कर ले, और सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो अमेजोन पे आईडी है उसको लॉगिन करके आप वहाँ से पे कर दे। तो जब भी आप पे करेंगे तो आपका कुछ तरीके का रिचार्ज होगा और वहाँ पे वो रिचार्ज फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फेल होने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेंड्स फेल होने के एक दो दिन बाद आपको इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आप 2 से 3 दिन बाद वापसी Comprify एप्लीकेशन को ओपन करें, आपको उसमें रिचार्ज पॉइंट मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप शॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाए, शॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा अमेजोन का गिफ्ट कार्ड। तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे आपको परचेज करके दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 50 रुपीज का गिफ्ट कार्ड परचेज करना है, तो मैं यहाँ गया, गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट किया। ऊपर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, ये सारी डिटेल पूछे जाएंगे, तो आप ये सारा फिल कर दे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा बाय का, तो आप बाय पे क्लिक करें। तो जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन बाद ही ये ऑप्शन दिखेगा यूज रिचार्ज यूज पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पॉइंट को यूज करके आप अमेजोन का गिफ्ट कार्ड परचेज कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊँ, अगर आप इंस्टेंट परचेज करने के लिए जाएंगे, जैसे मान लो अभी आपने रिचार्ज फेल किया, अभी आप परचेज करने जाओगे तो आपको वहाँ पे बोल देगा कि ये जो पॉइंट्स है आप यूज नहीं कर सकते। तो आप परेशान ना हो, आप अभी यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो आप अपना एक रिचार्ज फेल कर ले, और 2 से 3 दिन बाद आप वापसी Comprify को Comprify एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे परचेज करने का ऑप्शन दे देगा। तो फ्रेंड्स, देखिए ये परचेज तो कर लिया, मैं आपको इसको अमेजोन में ऐड करके भी दिखा देता हूँ। तो आप सिंपल से चले जाए अमेजोन में, मोर पे आए, ऐड गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करें। ऐड गिफ्ट कार्ड पे आप यहाँ पे सिंपल सा वो जो आपको कोड मिला था वो आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा कोड, तो वो कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दे। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 50 रुपीज जो है ऐड कर लिया है। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये जो ट्रिक है ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब का दिख रहा है ऑप्शन, आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।